हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मनीषा एंड स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स लाइफ 15 में। फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है यूजीसी नेट प्लस जेआरएफ। जितने भी फ्रेंड्स पीजी के स्टूडेंट्स हैं उनका सबका एम होता है कि वो पीजी के रहते रहते जो है यूजीसी नेट जो है अपना क्लियर कर लें। लेकिन क्या बिना बेसिक इन्फॉर्मेशन के यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। आपको जो है उसकी बेसिक नॉलेज जो है होनी चाहिए। देन हम स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो में आज का टॉपिक। यूजीसी मतलब क्या है इसका? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसके अंडर सारी यूनिवर्सिटीज़ आती है। सेकंड हमारा आता है इसमें एनटीए। एनटीए मतलब क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो क्या करती है? नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। देन थर्ड हमारा आता है नेट। नेट मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इन दोनों के बारे में आज हमारी पूरी वीडियो में हम जो है डिस्कशन करेंगे। देन हमारा अब आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यूजीसी नेट का। देन फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है एमकॉम जो है, एमकॉम हो गई या फिर आपकी पीजी जिस भी सब्जेक्ट में आप कर रहे हो वो आपकी होनी चाहिए 55% से क्लियर। जनरल वालों के लिए 55, एससी वालों के लिए 50%। देन सेकंड पॉइंट है हमारा, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो स्टूडेंट्स पीजी में प्रीवियस ईयर में है, फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, फाइनल ईयर में है, वो तीनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो एनटीए है हमारा, यूजीसी है, वो क्या करता है, हमें जब सर्टिफिकेट इशू करता है तो उसके बाद वो हमें 2 साल का जो है मैक्सिमम टाइम देता है अपनी जो पीजी है उसको कंप्लीट करने के लिए। देन जो ट्रांसजेंडर हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो पीएचडी डिग्री होल्डर्स हैं, जिनके पास पीएचडी की डिग्री है, वो जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है फ्रेंड्स एज लिमिट क्या है इसमें। जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए एज लिमिट है 30, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। एज लिमिट में फ्रेंड्स रिलैक्सेशन जो है वो मिला है एससी कैटेगरी को, ओबीसी को, वुमेन को 5 ईयर्स का। ठीक है, एज मतलब 5 साल की जो है छूट मिली है, जिनके पास रिसर्च का एक्सपीरियंस है। ठीक है, ट्रांसजेंडर्स हैं जो, या डिसेबिलिटी से डिसेबिलिटी है जिसमें, या फिर एलएलएम डिग्री है, उनको जो है 3 साल का जो है इसको है छूट दी गई है। उसके बाद आती है इसकी फ़ीस। फ़ीस कितनी है? जो जनरल कैटेगरी है उसकी 1000 फ़ीस है, ओबीसी की 500 है, एससी एसटी पीडब्ल्यू ट्रांसजेंडर की 250 रुपये तक फ़ीस है अप्लाई करने की। देन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रेंड्स आज का हमारा ये है कि क्वालिफाई क्राइटेरिया क्या है, कितने मार्क्स हमें चाहिए यूजीसी नेट को क्लियर करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो यूजीसी नेट होता है उसमें हमारे 2 एग्ज़ाम होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। जो हमारा पेपर 1 होगा उसमें हमारे पास 50 क्वेश्चन होंगे, ऑप्शन टाइप होंगे, जो ऑप्शन वाले, प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, देन हमारा फर्स्ट पेपर होगा 100 मार्क्स का, और सेकंड पेपर हमारा होगा 200 मार्क्स का, जिसमें हमारे पास 100 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के। देन जो जनरल कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, उन तीनों को 40% मार्क्स फर्स्ट पेपर में लेने होंगे, 40% मार्क्स सेकंड पेपर में लेने होंगे, और जो ओबीसी पीडब्ल्यूडी एससी एसटी ट्रांसजेंडर है उनको 35% मार्क्स जो है फर्स्ट पेपर में लेने होंगे और सेकंड पेपर में लेने होंगे। तो क्या अब आपका ये नेट का एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों के नंबर जो है जोड़कर आपकी जो है परसेंटेज बनेगी, और आपके 300 में से कितने मार्क्स आपके आने चाहिए, जनरल वालों के 40% और ओबीसी वालों के, एससी वालों के 35% जो है होने चाहिए। तो जनरल वालों के 300 में से कम 120 मार्क्स जो है उनको चाहिए, और जो एससी कैटेगरी के हैं उनको 105 मार्क्स जो है 300 में से चाहिए। इसके बाद भी फ्रेंड्स आपका जो है नेट क्लियर नहीं माना जाएगा। ऐसा क्यों? तो जो यूजीसी है उसने क्या किया है, कुछ गाइडलाइंस हैं उसकी, कि जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं कि जो 40,000 जैसे बच्चों ने एग्ज़ाम दिया उसमें से 1000 जो स्टूडेंट हैं वो पास हो गए नेट के एग्ज़ाम में,
तो उन 1000 को ही सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा, वो सिर्फ़ होगा 6% को, मतलब कि 60 स्टूडेंट्स को जो है वो मिलेगा सर्टिफिकेट। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है JRF क्या होता है। JRF क्या होता है फ्रेंड्स, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो कोई अलग से पेपर नहीं होगा आपका, जो आप नेट का एग्ज़ाम दोगे अगर आप उसमें मेरिट में आ जाते हो तो आपका जो है JRF क्लियर माना जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है सिर्फ JRF के लिए अपने नेट के पेपर को अच्छे से क्लियर करना है और मेरिट में आना है, ठीक है। तो जो हमारा JRF है, ठीक है, उससे क्या फ़ायदा होगा, अगर हमारा JRF क्लियर हो जाएगा तो उससे अगर हमें PhD करनी है अपनी PG के बाद, तो हमें जो स्कॉलरशिप मिलेगी हम उसके थ्रू जो है अपनी PhD को जो है कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। देन जो JRF है हमारा, अगर हमारा वो क्लियर नहीं होगा, हमारे पास जो सर्टिफिकेट है उसका वो इशू नहीं होगा हमें, तो हम जो है PhD करेंगे तो ज़रूर, लेकिन उसमें हमारी जो फीस है वो 2 से 3 लाख तक लग जाएगी, ठीक है। तो जो हमारा JRF का सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी है 3 ईयर्स, 3 साल तक जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड है, और जो नेट का सर्टिफिकेट मिलेगा वो हमारा लाइफ टाइम तक जो है वैलिड है। और JRF में हमें जो स्कॉलरशिप मिलेगी वो मिलेगी हमें 31,000 इनिशियल 2 ईयर्स और 35,000 फॉर रिमेनिंग टेन्योर, ठीक है। देन अब इसमें एक बात आती है कि जो नेट का पेपर है हमारा वो कैसे क्लियर होगा, हमारा परसेंटेज जो है उसमें आपको पता लग गई, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए अच्छी रही हो, एंड थैंक यू सो मच।